बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूँ सनाउल्लाह सनी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अमीर अब्बास बुखारी और इस साइड पर मौजूद हैं इनाम चीमा। मदीना शरीफ के हम आए हुए हैं विजिट के लिए, तो आज इनाम चीमा आपको बताएंगे थोड़ी सी तारीख। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि मदीना शरीफ चल के आपको मुख्तलिफ जितनी ज्यारतें होंगी वो आपको कराएंगे और उसकी तारीख बताएंगे। तो इनाम चीमा बताओ, आज हम इस पहली ज्यारत पे आए, इसकी थोड़ी सी तारीख। अच्छा जी, ये पीछे वाली साइड पे आपको जबल रूमा का पहाड़ नज़र आ रहा है, इसी का नाम जबल रूमा है। और आपकी बैक साइड पे बिल्कुल सारा जंग जबल ओहद है। और इस पहाड़ के ऊपर जंग के दौरान अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को तैनात किया था, और इसी पहाड़ से वो नीचे उतरे सहाबा इकराम और माले गनीमत इकट्ठा करने लग गए। तो खालिद बिन वलीद का लश्कर जो था इसी के पीछे वाली साइड से उन्होंने हमला किया, तो इस जंग में तकरीबन 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। कुछ बोलते हैं 72 हुए, कुछ बोलते हैं 70 हुए, लेकिन तकरीबन 70 हुए, जिनमें से तीन बड़े बड़े नाम हैं। सैयदना मीर हमजा नबी पाक के चाचा थे, अब्दुल्ला बिन जाह जो थे ये कुफोजात भाई थे, और मसा बिन वैद इस जंग के कमांडर थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल भी थे, और मक्का के मीर तरीन आदमी मसा बिन वैद थे। इसी तरीके से 3 सहाबा इकराम की एक जगह पर कबर है, और 67 सहाबा इकराम बड़ी इज्तमाही कबर है वो एक जगह पर। टोटल 70 सहाबा इकराम की कबरें हैं। अभी हम यहाँ पर जाएँगे, सलाम पेश करेंगे, फातिहा खानी करेंगे, दुआ करेंगे, फिर हम आखिरी ज़ियारत पर जाएँगे। बहुत शुक्रिया। पीछे आप दिखाएं ये जबल ओहद।